नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में जुटी है और नौकरशाहों को मजबूत कर रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार के पूर्व और मौजूदा शिक्षा मंत्री को इग्नोर किया जा रहा है, उनकी उपेक्षा की जा रही है, उससे यही लगता है कि अब मंत्रियों को नौकरशाहों के अधीन काम करना होगा। क्योंकि जिस तरह से के पाठक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपना डंडा चला रहे हैं, वो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बिहार के शिक्षक खौफ में है, ऐसे में वे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? सुनिए प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा को। शिक्षा विभाग को तहस नहस करके शिक्षकों के आंदोलन को दबाने के लिए, शिक्षकों के प्रतिभा को कुचलने के लिए और बिहार के शिक्षक के भविष्य को नष्ट करने के लिए आपने जिस तरह के कानून और फरमान जारी कर रहे हैं, ये शिक्षा विभाग के अंदर सुधार से ज्यादा अव्यवस्था फैलाने का एक बड़ी भूमिका हो रही है। जो विधायक प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता था, जिस विधायक को मॉनिटरिंग का अधिकार था, उसके खर्च को देखने में उसकी भागीदारी मॉनिटरिंग में होती थी, आज आप ये कानून को लाके विधायिका को भी लज्जित कर रहे हैं। क्यों ये मानसिकता? आज सारे विधायक सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, इसी मामले पर जब हम विधानसभा अध्यक्ष थे और पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय विजय चौधरी जी थे, 17 पूरक प्रश्न की झड़ी लग गई थी और स्वीकारना पड़ा था कि विधायिका को जब जब कमजोर किया है, तब तब अफसरशाही बढ़ी है, प्रशासनिक अराजकता फैला है। आज अगर जो शिक्षा विभाग के अवर मुख्य सचिव के पाठक बड़े सुधार कर रहे हैं, तो इसके पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी, माननीय विजय चौधरी जी, सब नकारा मंत्री थे। माननीय चंद्रशेखर यादव जी सब नकारा मंत्री हैं। राजनीति से आने वाले शिक्षा मंत्री कोई काम के लायक नहीं रहे, यही साबित कर रही है ये सरकार। एक अफसर अगर जो चला सकता है तो फिर मंत्री की क्या जरूरत है? ये सरकार के कैबिनेट का क्या आवश्यकता है? पदाधिकारियों का साम्राज्य से ही राज चलाने की व्यवस्था बनाए, ये मानसिकता कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है और विधायिका को लज्जित कर रहा है। मुख्यमंत्री जी, आप लाचार बेबस होकर सिद्धांत विहीन राजनीति करने के कारण जिस तरह से लोकतंत्र के धरती पर लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, कोई अगर जो नीति के विरुद्ध आवाज उठाए, आपके गलत कारनामों को उजागर करे, तो लाठियों से गोलियों से उसकी आवाज को दबा दे। ये कैसा गांधी जी का सिद्धांत? गांधी जी के बड़े समर्थक, बड़े सिद्धांतवादी लोग कैसा लाठियों की बौछार करने वाले, लाठी तंत्र और गोली तंत्र लाने वाले गांधी जी का अहिंसावादी नीति का कितना बड़ा समर्थक है, ये बिहार की जनता भी देख रही है। ये चौराहे पर खड़े हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सत्ता के योग्य नहीं है। इनको किसी भी कीमत में सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार अब नहीं बचा है।